दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं और आप अपना जो है शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाया हुआ है या फिर आप अपना ऑर्डर लगाए हुए हैं दोस्तों, अगर या फिर अपना लगाना चाहते हैं, तो आपको जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि आपको जो कभी डिलीवरी का देखने को ऑप्शन मिलता है, कभी आपको इंट्राडे का ऑप्शन देखने को मिलता है, कभी आपको पे लेटर का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसा कि मैं दोस्तों आपको दिखाऊँ यहाँ पे, दोस्तों मैं आपको यहाँ पे आइडिया का जो शेयर है हम इसको खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ आइडिया का जैसे शेयर पर आपके बाई के बटन पर क्लिक करते हैं, बाई के बटन पर दोस्तों जैसे क्लिक करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं कि डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सब कुछ ए टू जेड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों बने रहिए दोस्तों वीडियो में। अगर दोस्तों आपको जानकारी पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों जब आप अपना जो शेयर बाई करने के लिए जब इस पेज पर आएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कैसे आना है, वो चीज़ आप जो जो शेयर खरीदना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बाई का बटन देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद से दोस्तों आप कितना शेयर खरीदना चाहते हैं आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक शेयर खरीदना चाहते हैं, या फिर मैं आपको एक तीन शेयर खरीदना चाहता हूँ, 13 शेयर, जो भी आप, जैसे कि मान लीजिए हम तीन शेयर खरीदना चाहते हैं, तीन शेयर जैसे हम लिखेंगे तो तीन शेयर का दाम यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 43 रुपये 20 पैसा आ चुका है, और जो कि मार्केट प्राइस यानी जो एक शेयर का दाम होता है वो दाम यहाँ पे 14 रुपये 40 पैसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट का या मार्केट प्राइस यानी एक शेयर का दाम 14 रुपये 40 पैसा या 35 पैसा ये घट बढ़ रहा है आपका, क्योंकि मार्केट अभी चल रहा है, इस नाते ये चीज़ हो रहा है देखने को मिल रहा है। जैसे ही मार्केट अगर बंद रहेगा तो आपको करेंट जो प्राइस होता है वो देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे लिमिट और मार्केट भी देखने को मिल रहा है। तो लिमिट प्राइस क्या चीज़ है और मार्केट प्राइस क्या चीज़ है, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसा कि मार्केट प्राइस पे आप सर्च करेंगे तो जो भी आपका जो प्राइस जो यानी शेयर का जो दाम होगा 14 रुपये, जैसे प्रेजेंट टाइम में 14 रुपये 40 पैसा 35 पैसा चल रहा है, तो जो आपका ये मार्केट प्राइस पे रहेगा तो आपका जो जैसे ही आप बाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मार्केट प्राइस पर आपका जो शेयर चल रहा होगा यानी जो आपको प्रेजेंट टाइम में करेंट मार्केट प्राइस जो चल रहा होगा उस रेट पर यानी आपका शेयर बाई हो जाएगा। अगर दोस्तों लिमिट प्राइस लगाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिमिट प्राइस पर इस पर क्लिक करना चाहते हैं और लिमिट लगाना चाहते हैं, तो लिमिट के लिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपका शेयर का दाम यहाँ पे देख सकते हैं करंट में 14 रुपये 40 पैसा चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि आप ये शेयर 14 रुपये 40 पैसा पे खरीदना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि आपका जब शेयर घट करके 14 रुपये पे आए, यानी आप 14 रुपये पे अपना शेयर खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ता है। तो लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको जैसे कि मान लीजिए हम 14 रुपये पे चाहते हैं कि 14 रुपये जब घट करके आपका ये प्राइस यानी 14 रुपये पे आएगा तो 14 रुपये पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और आपका शेयर बाई हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपको लिमिट ऑर्डर इस पे लगाना है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे जैसे आपने मैंने लिमिट ऑर्डर लगा लिया, अब इसके बाद से दोस्तों आप ऑप्शन ऊपर साइड देखेंगे, डिलीवरी का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है और इंट्राडे का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसका क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे डिलीवरी का ऑप्शन ये होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने आज शेयर खरीदा और आप चाहते हैं कि कल बेचना चाहते हैं, या परसों, या 10 दिन बाद 15 दिन बाद 20 दिन बाद, या सालों साल अपना शेयर रखना चाहते हैं ताकि आप जैसे अगले साल बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको डिलीवरी का ऑप्शन जो होता है इसको आपको चूज करना पड़ता है। अगर दोस्तों आपने इंट्राडे आपको ऑप्शन चूज किया तो यहाँ पे दोस्तों अगर इंट्राडे ऑप्शन चूज करेंगे तो इसके लिए दोस्तों आपका इसका मतलब ये होता है, जैसे आज आपने शेयर खरीदा, जैसे कि आज आपने शेयर खरीदा तो आप आज ही बेच सकते हैं जब मार्केट यानी जब मार्केट क्लोज होने के टाइम होता है, यानी आपका जो जैसे कि इंडियन मार्केट जो है 3:30 में मार्केट क्लोज हो जाता है, तो उससे पहले आपको ये शेयर बेच देना है। नहीं बेचेंगे तो एक ऑटोमेटिक ये एंजल वन का जो आपका ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक आपका शेयर बेच देगा, ना कि आपको अगर आप नहीं बेचते तो ऑटोमेटिक ये आपका सेल हो जाएगा और जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा आपके अपने पोजीशन यानी पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे दोस्तों इसने इस तरीके से, और पे लेटर का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि आपके पास आपके अकाउंट में अभी प्रेजेंट में पैसा नहीं है और आप इसको जैसे कि मार्केट आपका जो चल रहा है और आपको जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है या फिर आपको लॉस, जैसे प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आप बाद में पे करना चाहते हैं, जैसे EMI के तौर पर जैसे होता है वैसे ही इसका भी मतलब होता है, आप जैसे खरीदना चाहते हैं तो पे लेटर के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके यहाँ पे दोस्तों देख सकते प्रेजेंट में 119 रुपये चल रहा है। अगर दोस्तों जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर बताऊं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे शेयर जो शेयर का दाम जैसे मान 10 शेयर खरीदना चाहते हैं तो 10 शेयर का दाम यहाँ पे 140 रुपये हो रहे हैं और मेरे में 119 रुपये है। अगर आप पे लेटर लगा देंगे तो आपका जो ये जो आपका ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो भी आपका जैसे कि आपका प्राइस रहेगा यानी जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आपको लॉस होता है या शायद प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट होगा तो आपका जो भी यानी 140 में से 119 रुपये घटाएंगे 121 रुपये जो आपका जो है आपका पे हो जाएगा।
जाएगा, यानी बाद में आपका पे कर सकते, यहाँ पे ये आपका ये ब्रोकर को पे हो जाएगा, ताकि जैसे कि आप उसके बाद से दोस्तों आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आप देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आपको लॉस होता है तो आपको जो 140 पे जो आपने प्राइस दिया है और जो आपके वॉलेट में पैसा कटा है उसके माइनस करने के बाद से जो प्राइस है वो आपको जो ब्रोकर को अपने देना पड़ेगा, ताकि आपका जो आपका अकाउंट मेंटेन रहे। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको बताया कि डिलीवरी क्या होती है, इंट्राडे क्या होता है, लिमिट ऑर्डर प्राइस, मार्केट ऑर्डर प्राइस क्या होते हैं, सब कुछ ए टू जेड मैंने आपको बताया। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई तो एक लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।